तो दोस्तों अभी फिर से एक और न्यू स्कूटर को अनवील किया गया है हीरो के ही तरफ से, इसी भारत के ही एक इवेंट के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर का। वैसे तो दोस्तों ये जो इवेंट के अंदर ये जो स्कूटर को अनवील किया गया है ना, तो ये है हीरो का ही अपकमिंग हीरो का ही जूम 125R वाला जो मॉडल है। तो वो वैसे दोस्तों ये जो जूम 125 वाला मॉडल है ना, तो इसके बारे में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी सामने आए हैं, जिसको अगर कोई मैं बता दूंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो दोस्तों पहले बात तो अभी कुछ ही समय पहले ही हीरो कंपनी की तरफ से भारत एक्सपो करके एक इवेंट हुआ था, तो उसके ही अंदर हीरो कंपनी की तरफ से अपकमिंग उनका एक जो स्कूटर है 125 सीसी वाला, और ये जो स्कूटर है ना, तो इसको भी अनवील किया भी गया है। वैसे दोस्तों ये जो स्कूटर है ना, तो इसका नाम है हीरो का ही जूम 125। वैसे दोस्तों ये जो जूम 125 वाला मॉडल है ना, तो इसके बारे में कुछ अभी न्यू ऐसा ही सामने आया है कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक न्यू 125 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन, जो कि देखने को मिलेगा मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करते हुए ऑलमोस्ट 9 BHP जो है तो वो, और इसके ही साथ साथ ये वाला जो स्कूटर आपको मैक्सिमम टॉर्क जो प्रोड्यूस करके देगा ना, तो वो भी है 10.16 NA। बाकी तो जो ऑटो ट्रांसमिशन वाला जो चीज है ना, तो वो भी जूम 125 वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है स्कूटर है, तो इसी वजह से। बाकी हम ब्रेकिंग सिस्टम में बाई बार का जो ब्रेक्स है ना, तो वो कुछ यूज किए गए हैं, जिसके अंदर जैसे देख ही सकते होंगे ये जो सामने का ब्रेक है तो वो डिस्क ब्रेक है, और इसके साथ में आपको जो कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम जो है तो वो कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा सामने कुछ ऐसा ही चीज आया है कि ये जो जूम 125 वाला मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है जो पहले बात तो लाइट्स का सेटअप, तो वो देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट जो एलईडी लाइट है ना, तो उसके ही अंदर अंदर। बाकी सस्पेंशन सेटअप जो दिया गया है ना, तो वो जैसे कि देख ही सकते होंगे जूम 125 के सामने आपको देखने को मिलेगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और पीछे आपको देखने को मिलने वाला है जो कॉइल वाला हाइड्रोलिक शॉक्स, तो वो। और इसके ही साथ साथ जूम 125 आर वाले मॉडल के अंदर वैसे ये चीज अभी सामने आया नहीं है कि जो हैजर्ड लाइट वाला फीचर है तो वो क्या ये जूम 125 आर वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा या फिर नहीं। और इसके ही साथ साथ तो ये है कि ये जो Zoom 125R वाला जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो मीटर कंसोल, तो वो देखने को मिलेगा पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला, जिसके अंदर आपको जो I3S वाला फीचर है, और इसके ही साथ साथ ओडोमीटर टिप मीटर के ही साथ में जो ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी है, तो ये भी देखने को मिलेगा X-Tech वाले वेरिएंट में। तो जो भी है, लेकिन है ये जो हीरो का ही Zoom 125R वाला जो मॉडल है ना, तो इसका जैसे देख सकते होंगे एक कलर जो देखने को मिला है ना इसी ऑटो एक्सपो के अंदर, मतलब भारत एक्सपो के अंदर, तो वो जैसे देख सकते होंगे रेड कलर, और इसके अलावा ग्रे कलर, और इसके अलावा ब्लैक कलर के ही कॉम्बिनेशन में जो ये स्कूटर है, तो यही है मतलब इसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ में। बाकी गाइस बस ऐसा ही कुछ सीन है कि ये जो Zoom 125 वाला जो मॉडल है ना, तो ये इसी 2024 साल के ही अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लॉन्च होने वाला है इसी इंडियन मार्केट में भी और साथ ही साथ ग्लोबली भी। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारा कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।